नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। लव कुश रामलीला का लगातार मंचन जारी है और हमारे साथ अभिनेता मनीष जी मौजूद आई, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। जी धन्यवाद। किस भूमिका में नजर आ रहे हैं आज? आज मैं राजा की भूमिका में हूँ और एक मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव है कि अभी तक मैंने महादेव की भूमिकाएँ निभाई है इस मंच के लिए 4 साल से, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने का मौका मिला है मुझे, और ये लीला भी मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि पहले मैं याद आता स्टार्ट टू फिनिश महादेव के रूप में होता था, और जो हमारी विग होती थी, हमारे नाग देव होते थे, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा गर्दन घुमाने को मिलता नहीं था, तो इस बार मुझे देखने का भी मिलेगा। तो महादेव की भूमिका से राजा की भूमिका में पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। महादेव तो सिर्फ कैलाश में रहते रहे, आपको प्रॉपर एक राजा का वेश धारण किया गया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कई मैथो सीरियल किए हैं जिसमें राजा की भूमिका मैंने निभाई है, तो मेरे लिए कोई नया पल नहीं है। हाँ, मंच के लिए मेरे लिए नया पल है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगातार कई सालों से आप लव कुश रामलीला से जुड़े हुए हैं, तो क्या अनुभव रहता है इनके से? ये मैं इसके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकता। बहुत ही मेरी खुशनसीबी है जिसको मैं कह सकता हूँ कि इस मंच पर आना, अभी लाल किले के ऐतिहासिक मैदान जो है हमारा है, तो यहाँ आके यहाँ के मंच पे करना, ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। और सबसे बड़ी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, लव कुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन साहब, पहले अशोक जी थे, आज हमारे अर्जुन सर हैं, तो जो विश्वास उन्होंने रखा था मेरे ऊपर, आज इनका भी प्यार विश्वास मुझे मिल रहा है, और मैं आपके सामने महादेव कर रहा हूँ, महादेव किया और आने वाले साल में महादेव करूँगा। हाँ, एक बार मैं और बता दूँ आपको, इस बार मैं एक और भी नए किरदार में आ रहा हूँ जो सुग्रीव का है, तो इस बार सुग्रीव की भूमिका में मुझे देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मनीष चतुर्वेदी जी, जो काफ़ी सालों से लव कुश रामलीला में अलग अलग भूमिका निभाते रहे, और उनका विशेष भूमिका महादेव की थी, जिनके किरदार को काफ़ी पसंद किया जाता है हमेशा से ही। और देखते रहे लव कुश रामलीला जो लाइव चल रही है, और लाल किले पर चकाचक ग्राउंड भरा पड़ा है। और मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया, देखते रहें युगवाणी टाइम्स।